हाय एवरीवन. सो कुछ दिनों पहले ही मैंने लूट केस का ट्रेलर देखा एंड उससे मुझे एक अपनी लूटने की कहानी याद आ गई. तो बचपन में ना मुझे टैजोस कलेक्ट करने का बहुत शौक था. मतलब मेरी एक छोटी सी एल्बम होती थी और उसके अंदर ही मैं टैजोस चिपका चिपका के हर जगह लेके घूमती थी. मतलब स्कूल, पार्क, शादियों पे मम्मी पापा सगन डाल रहे हो, मैं दूल्हा दुल्हन को बोल रही हूँ कि मेरी कलेक्शन देखो, और दूल्हा दुल्हन बोल रहे कि आई यू सीरियस, लाइक आई यू ओके. एनीवे, जो भी वो मुझे बोलते थे. सो मेरी और मेरे टैजोस के बीच में बहुत प्यार था. और एक दिन मैं पार्क में उन्हें शो ऑफ करते करते रख दिए साइड पे और खेलते खेलते भूल गई वहीं पर. और घर आई और एक इमेज क्रिएट करी हुई थी मैंने कि मैं तो बड़ी रिस्पॉन्सिबल हूँ और मैं तो कभी कोई चीज नहीं भूलती हूँ और पता नहीं क्या क्या. तो मैं बोल भी नहीं सकती कि यार टैजोस छोड़ आई हूँ, वापस गई थी, नहीं थे वहां पे. तो मेरे भाई भी टैजोस कलेक्ट करता था. तो ट्यूशन के लिए निकला, मैं उसके कबर्ड में गई और मैंने उसके टैजोस चुरा लिए और एक न्यू एल्बम में लगा दिया. और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरे भाई ने कभी मुझे कन्फ्रंट नहीं किया. मुझे लगा मैं उसी में पकड़ी ही जाऊंगी और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा मेरे साथ. बट उसने कन्फ्रंट नहीं करा क्योंकि मुझे लगता है कि उसको लगता है कि उसके टैजोस किसी ने चुरा लिए या वो भूल आया. तो वैसे बोले लग गया कि ओ आई एम ओवर टैजोस एंड इट्स फॉर किड्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो अगर भाई तू सुन रहे है तो गौर से देखिए इस शहर को. वो मैं ही थी एंड आई एम सॉरी. सो बस यही बोला था मुझे, ये मेरी लूट की स्टोरी.